वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई यूपीआई नीड्स टू रिप्लेस स्विफ्ट रशिया वर्सेस यूक्रेन अभी एंड नियो। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेस्ट ने रशिया के साथ जंग शुरू कर दी, लेकिन हथियारों से नहीं, फाइनेंस से। स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया है। यहाँ तक मास्टर कार्ड और वीसा ने भी कहा है कि वो रशिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। अब रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगी, बाहर से चीजें कैसे खरीदेगी, इस बात ने रशिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कैसे? इन तीन अक्षरों से, UPI। आज इस वीडियो में जानते हैं कि UPI भारत को ग्लोबल लेवल पर कैसे हेल्प कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, चलिए समझते हैं। लेकिन ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ ही समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की मदद से। स्विफ्ट एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक्स को जोड़ता है। 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हर दिन स्विफ्ट ने हैंडल किए हैं। ये सिस्टम पैसे ट्रांसफर नहीं करता, पैसे बैंक्स ही ट्रांसफर करती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिक्योरली कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम स्विफ्ट सॉल्व करता है। 1973 से स्विफ्ट बैंकिंग के लिए पोस्टमैन का काम कर रहा है और पूरी दुनिया में US डॉलर की पावर बनाए हुए। कहने जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली इसे USA और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करते हैं। आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है तभी उसे स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे उन कंट्रीज के इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मार्च 2012 में US ने ईरान के साथ यही किया। इसकी वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। थिंक अबाउट इट, जस्ट बिकॉज आप एक देश के लीडर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते तो आप उस देश के पूरे पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर देंगे। ये कैसा लॉजिक? इससे उनकी लाइफ कैसे सुधरती है? इससे वहां की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चेंज कैसे आता है? It's so ironic. US है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आज अमेरिका इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया में एक बुली जैसे बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिक्टेट करता है। इतना ज्यादा पावर एक देश के पास होना वर्ल्ड पीस के लिए डेंजरस है। अब रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, यानी रशियन बैंक्स का बाकी दुनिया के बैंक से जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया। रशियन एंटिटीज फॉरेन बैंक से $121 बिलियन लोन के तौर पर लिए बैठी। लॉजिकली सोचिए, क्या ये सारी बैंक्स इतने सारे पैसे को टाटा कह देगी जस्ट बिकॉज उन्हें पुतिन के अग्रेशन से प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नॉट। रशिया यूरोप और पूरी दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता है। वैसे ही भारत में आने वाली 50% से ज्यादा वेपन्स रशिया से आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सलूशन लोग जरूर ढूंढने वाले हैं। स्विफ्ट ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। दैट्स व्हाई दिस वैक्यूम नीड्स टू बी सॉल्व, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। एंड दिस इज वेयर इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्स इन। कोविड से ज्यादा तेजी से अगर भारत में कुछ फैला है तो वो है UPI। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज कॉफी से लेकर कॉफी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स तक मैं सब कुछ एक क्लिक से खरीद सकता हूँ UPI के थ्रू, और वो भी जीरो चार्जेस के साथ। UPI की वजह से हमने ऑलरेडी अमेरिका और चाइना को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पीछे छोड़ दिया, और अब तो UPI बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। यानी आने वाले टाइम में UPI से देश का हर नागरिक डिजिटल पेमेंट करने में आत्मनिर्भर होने वाला है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में UPI $1 trillion का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। फरवरी के एक महीने में 8,00,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस UPI ने हैंडल किए। सिर्फ 6 सालों के अंदर अंदर 300 से ज्यादा बैंक्स UPI में शामिल हैं, और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। UPI क्या है और कैसे काम करता है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या UPI इंटरनेशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले ही महीने में बताया कि भारत में कमाल करने के बाद नेपाल ने भी UPI को अपनाया है। नेपाल और भारत काफी मायने में भाई भाई, वहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू हैव फाइनेंशियल टाइज एज वेल। अब आप नेपाल से भारत और भारत से नेपाल P2P पेमेंट्स UPI के थ्रू कर सकते हैं। इससे नेपाल के बिजनेसेस को भी हेल्प होगी, और बात सिर्फ नेपाल की नहीं है। सिंगापुर में UPI और पे नाउ सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे एक QR कोड स्कैन करके आप अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। इससे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पहले 5% हुआ करती थी वो कम होकर अब 2% हो जाएगी। भूटान में भी मर्चेंट आउटलेट्स पर UPI एक्सेप्टेड है। UAE के माशरेक बैंक के साथ एक पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन विजिटर्स UAE में भी UPI के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में UPI के थ्रू पेमेंट्स एनेबल करने की बात जारी। यानी पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने वाली। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन।
ओवरऑल भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है। आज तक भारत ने किसी भी देश पर पहले कभी अटैक नहीं किया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन ड्रिवन टेक्नोलॉजी के लिए एक काफी अच्छा माहौल क्रिएट करता है। सी, हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। आज ही खबर आ रही है कि रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद यूएस में पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपीस पर लीटर तक पहुंच चुके हैं, यानी इम्पैक्ट यूएस सिटीजन्स पर भी हो रहा है। आज के वर्ल्ड में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय एक अग्रेसिव स्टांस लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस ना क्रिएट कर बैठे। बट हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स को ऑन बोर्ड करने की जरूरत, बिना हथियार उठाए सुपर पावर बनने का यही तरीका। सी, भारत ऑफिशियली रशिया यूक्रेन मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, जिसे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि वर्ल्ड फाइनेंस की डोर किसके हाथ होनी चाहिए, एक बायस देश की या अनबायस देश? हमें अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है, ऐसे अल्टरनेटिव्स जो बायस ना हो। बिकॉज रिमेम्बर, व्हेन द गेम इज एज स्टूपिड एज वॉर, द ओनली विनिंग मूव इज नॉट टू प्ले। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें तो जब से वो स्टार्ट हुई है तो नो डाउट रशिया पे जो है बहुत ज्यादा सैंक्शंस देखने को मिले हैं, और जिसकी वजह से नो डाउट काफी ज्यादा दुनिया में चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। खासतौर पर रशिया को स्विफ्ट से हटा देना जो है वो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऑयल और जो है जो नेचुरल गैस वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। वहाँ से तो मौजूद एक्सपोर्ट ही की जाती वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल अग्री करूंगी ये जो बातें अभी नियो ने बोली है, मतलब मेरी भी यही सोच है और मैं ये चीज काफी मरतबा बोल भी चुकी हूँ कि यूएसए जिस तरीके से चाहता है वो चीज़ें हैंडल करता है, और उसको आई थिंक बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये राइट अब नहीं देना चाहिए कि सिर्फ यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है वो इन चीज़ों को पूरी दुनिया को लेकर चलें और वो डिसाइड कर सकें। एक चीज से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी और वो ये कि अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मिल रही तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से पूरी कंट्री के लोगों को सफर करना पड़े। हाँ, कुछ ऐसे रास्ते जरूर निकालने चाहिए जिससे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाए, रादर देन कि आप उन पर वॉर इम्पोज कर दो और इतने ज्यादा सैंक्शंस आप उन पर लगा दो कि जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो तंग हो जाए। एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से अभी एंड नियो ने बीच में यूपीआई का जिक्र किया, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आप प्रोग्रेस कर सकते हो या फिर आप कहेंगे ग्लोबली आप उसमें एक रोल प्ले कर सकते हो, आपकी एक कमांड हो सकती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उस डोमिनेशन को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करना चाहिए। यार वैसे मैं अगर यूएसए की यहाँ पे बात करूँ ना, तो बड़े लंबे अरसे से जो है ना वो इस तरह के जो है चीजें करता आया है कि जिस मुल्क में उसके मुताबिक काम हो रहा है वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो वो जो है वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम देखते हैं कि यार ये जो है इस तरह के इशू क्रिएट हो रहे हैं, नहीं बन रही या क्या नाम लेते हैं यूएस के खिलाफ जा रहे हैं, तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है। वहां पर गवर्नमेंट को जो होती है इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी ना अमेरिका की साइड पर जो है अपना झुकाव कर दें। ये खाली मैं रशिया यूक्रेन के मुद्दे की बात नहीं करूंगा, और भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज देखें तो उसमें भी हमें ये चीज जो है वो देखने को मिलती है कि वो जब देखता है कि मेरा इस साइड पर फायदा है तो वो उस साइड पर यानी कि उस मुल्क के साथ लगना शुरू हो जाता है, और जब देखता है कि भाई मेरा बस इससे इतना काम था अब निकल गया मेरा काम तो मेरा मतलब निकल चुका है अब इसे साइड पे करो। तो रशिया की सॉरी यूएस की देखी जाए तो काफी देर से ये पॉलिसी है, इवन कि यूरोपियन यूनियन की भी बात की जाए तो वो भी वही करते हैं जो यूएस से जो है वो कर रहा था, यानी कि भरपूर साथ उसमें दिया जाता है बेशक अगले कंट्री की उसमें कोई मिस्टेक हो या ना हो। बट मुझे लगता है ना कि अब ये उस टाइम के जो लीडर्स थे उनकी भी गलती थी कि उन्होंने यूएसए को इतना पावरफुल बनाया। कभी भी एक अकेला देश वैसे पावरफुल नहीं बन सकता, नो डाउट जो यूएसए है उसके पास हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी अच्छी है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है, एक मतलब हम इन चीज़ों को भी मानते हैं। बट जिस तरीके से देखो बताया कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बड़ी हैं, तो उसके साथ साथ एक जो वहाँ का सिटीजन है उसके ऊपर भी एक असर हुआ है, और ये एक नॉर्मल चीज है कि सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों पर असर होगा, पूरी दुनिया के लोगों पर इस चीज़ का असर रहेगा। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है ना कि इस तरह के अब रास्ते निकालने चाहिए कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और वो भी जो बहुत बायस्ड हो सिर्फ इस वजह से कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम जो है वो चीजें मतलब डिस्टर्ब कर देंगे डिफरेंट कंट्रीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे कमेटी होनी चाहिए जहां पर डिफरेंट लीडर जो हर कंट्री के लीडर्स हैं
वो उनके मेंबर्स होने चाहिए और वो सब मिलकर डिसाइड करें, क्योंकि मौसम देखो आप एक कंट्री का जो मतलब उसके बारे में डिसीजन ले रहे हो, उसके आप सिर्फ एक कंट्री का डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसमें रहने वाले सब लोगों की जो किस्मतें हैं वो जुड़ी हुई हैं उस फैसले के साथ। तो मुझे लगता है इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस साइड पर अभी ये न्यू लेकर आ रहे हैं, यूपीआई के बारे में हम लोगों ने पहले भी काफी सारी वीडियोस देखी हैं और नो डाउट कि बहुत ही एक अच्छा, मैं कहूंगी कि अब इनिशिएटिव है इंडिया ने जो लिया है और जिस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है और बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इसके साथ जुड़ गए हैं और आने वाले टाइम में मजीद बैंक जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये मजीद बड़ा होता जाएगा। क्योंकि आपको एक यू नो काम करने के लिए उस पर फोकस रहना बहुत जरूरी होता है, तो जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं और आपकी डेडिकेशन होती है कि आपने किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो चीजें जो है वो खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वैसे यूपीआई की बात करें तो ये पेमेंट सिस्टम मुझे जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि आप जो है पैसे आपको हर टाइम लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो है वो मोबाइल ही एक तरह का आपका जो है एनी टाइम जो है वो आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं पर भी आप पे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि उसके बाद अगर देखें ना, यूपीआई के बाद बहुत सारी जो है डिफरेंट है, जैसे अमेजन पे है, फिर एक और था पेटीएम के अलावा एक और था, मुझे अब जेंस इसका नाम निकल गया, हाँ इंडिया में काफी ज्यादा, इंडिया में गूगल पे भी है, तो आप काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है यूज कर सकते हैं। इवन के मैं देख रहा था कि रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ था तकरीबन 2 महीने पहले, एक मांगने वाले ने भी जो है वो भी पेटीएम यानी कि ये, हाँ मैंने खुद देखा था यार। अच्छा? हाँ, कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यूपीआई के थ्रू जो है यानी कि वो क्यूआर कोड के थ्रू जो है पे कर सकते हैं। वाओ, ये तो ये मैंने देखा था, इंडियन ही वेबसाइट थी, मुझे लगा कि शायद उन्होंने मतलब इसको बनाया हो, क्योंकि नहीं 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 मैंने खुद देखा था भाई, ये मेरे लिए बहुत नई चीज है। बट हाँ, मुझे ये चीज जरूर अच्छी लगती है इंडिया की, इंडिया में इतना ज्यादा इस चीज को मतलब इंडिया इतना डिजिटल हो रहा है कि सीरियसली एक अगर कोई हम कहेंगे कि रेडी वाला भी है, उसके पास भी आप मतलब आपके पास पैसे नहीं है, वो कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी आजकल के टाइम में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो कैश कैरी करके जाना अपने साथ, क्योंकि आपको डर लगता है जिस तरह की सिचुएशन रहती है, तो ज्यादा तो अच्छा यही रहता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ज्यादा काम किया और आने वाले टाइम में नो डाउट इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी, जिस तरीके से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे। और मेरा गला पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि बोलते बोलते थोड़ा सी आवाज खराब हो जाती है, और अभी तो मेरे लगता है काफी ज्यादा खराब हो गई। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।